क्या खूबसूरत नज़ारा। गाड़ी मत लाइए भाई, चलो डर रहा है। सामने टाइगर, और अभी ये चढ़ा देखो ऊपर को। हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त जरूर होंगे। उम्मीद तो गाइज मेरी यही होगी कि आप रोजाना की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे ही होंगे। तो फाइनली गाइज आज मैं फिर से तीसरी बार आ चुका हूँ लोहेड़ा तल्ली गांव की तरफ। और अभी आज है क्या कि गाइज इस जगह पे ना सुनने को मिला था कि कल रात दो टाइगर एक साथ मूवमेंट कर रहे थे गाँव की तरफ, और आज फिर से इस जगह पे आया हूँ। थोड़ी जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के जो लोकल ब्लेजर्स हैं उन लोगों से, और साथ ही आपको गांव की एक झलक भी दिखाते और किस तरह की चीज़ें हो रही है उन लोकल लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ पे रहते हैं। तो चलते हैं थोड़ी आगे की तरफ, कुछ लोग दिखाई भी दे रहे हैं तो इन्हीं से थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ें हैं इस जगह पर। अभी प्रेजेंस में किस तरह की मूवमेंट अभी टाइगर इस जगह पर कर रहा है, टाइगर ही मूवमेंट कर रहा है या उसके साथ में लेपर्ड भी इस जगह पे आ रहा है, तो वो चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं चीज़ों को। और हो सके तो आज कुछ लड़के मिले हैं तो इन लोगों से थोड़ी उस जगह तक भी जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे कि अभी ये घटना हुई थी प्रजेंस में लीला देवी जी के साथ में। तो उस जगह को भी आज आपको इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद है कि गाइज आप जरूर कंटेंट में बने रहेंगे, साथ ही आप अगर चैनल पर हैं नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। तो चलो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं थोड़ी गांव की तरफ और थोड़ी जानते हैं गांव के बारे में क्या चीज़ें अभी हो रही है। तो थोड़ी आप भी इनके गांव को थोड़ी घूम लेते हैं और आज दिखाते हैं आपको थोड़ी तल्ली लोहेड़ा और यहाँ पर अभी किस तरह की टाइगर की मूवमेंट है उस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं गाँव के लोगों से, और थोड़ी साथ में आपको गाँव भी दिखाते हैं गाइस। तो साथ में ये सारे लोग हैं जितने शर्मा रहे थे सभी आगे देखिए अभी कैमरे में, है ना। तो अब ये कोई नहीं शर्माएगा, तो इन्हीं से इनके गांव के बारे में जान लेते हैं। देखो मैंने कितना अच्छा काम किया कि सभी को एक बार में कवर कर लिया, अब इनकी शर्माहट घबराहट सब दूर। बट फोन सा, तो ये हैं कुछ घर यहाँ पे पहाड़ों के ना घर बने हुए, और जो कि अभी पूरी तरह से बाग के साए में हैं, और जिस तरह से अभी घर खाली है ना खंडर से बन रहे हैं, तो कुछ इस तरह की जगह मेरे ख्याल से बहुत खतरनाक हो सकती है रात के समय, क्योंकि खाली जगह पर टाइगर आ सकता है। अच्छा जो हाँ, हाँ अच्छा ये उनका घर है यहाँ पे, वो बकरियाँ रखते हैं अपनी। अच्छा जी, तो गाइज ये जो भैया जिनका एम्स से ट्रीटमेंट चल रहा था एक महीने तक, उन लोगों की लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी, बकरियां भी वापस से वो चराने जा रहे थे, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ इन्फेक्शन रह गया, और जिस वजह से समथिंग नहीं भी तो 5 महीने बाद जो सुनने में आया है कि 5 महीने तक वो लोग रोज़ाना अपनी बकरियाँ चराने के लिए जंगलों की साइड में या जो चारागाह हैं उस जगह तक जाते थे, और फाइनली अचानक से उनकी डेथ हो गई है। तो ये जगह है कुछ, और थोड़ी गांव का एक राउंड ले ही रहे हैं जैसे कि आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं थोड़े इनके गांव को। बाकी गांव तो काफ़ी प्यारा है गाइस, बट क्या करें जिस तरह से अभी जंगली जानवरों के नंबर बढ़ रहे हैं ना, और नंबर बढ़ने के साथ साथ में मूवमेंट अभी पहाड़ों की तरफ को ये टाइगर लेपर्ड कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं फिर अभी ना ये ह्यूमन बींस पे अटैक करने लगे। अभी तक तो था क्या कि वाइल्ड एनिमल्स पे जैसे स्पॉटेड डियर, सांवर डियर या बार्गिंग, इस तरह के जो एनिमल्स होते थे उन पे ये डिपेंड होते थे, ठीक है। और फिर समय समय पे ये गांव में आके पालतू जानवरों पे अटैक कर लेते थे, पहाड़ों में बकरियों पे, कुत्ते पे, कुछ इस तरह से चीज़ें करते थे। और अभी क्या है कि पहाड़ों की तरफ जिस तरह से ये आने लगे ना, तो इनका अटैक एनिमल्स के बजाय ह्यूमन बींस पे होने लगा। तो एनिमल्स को इनने जो प्रायोरिटी देनी थी ना अपने फूड के तौर पे, तो वो अभी ये नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ अभी हमला कर रहे हैं तो इंसानों पर, इंसानों को अपना शिकार बना रहे हैं। और अभी नहीं भी तो इस जगह कई सारी ऐसी घटनाएं सुनने को मिली हैं जो हुई हैं, बट जो अभी प्रेजेंट में है चीज़ें वो तो यही है कि जो लीला देवी जी थी उन पर टाइगर ने अटैक किया था। और फाइनली उन्होंने जब उनसे पूछा गया ना कि आप पे अटैक किसने किया, लेपर्ड ने या टाइगर ने, तो वो चीज़ें थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही थी। फाइनली जब उन्हें कुछ इमेजेस दिखाई गई तो उसमें ना उन्हें टाइगर की इमेज भी दिखाई, तो उन्होंने वो इमेज सेलेक्ट करके बताया था कि हाँ ये एनिमल था जिसने मुझ पर हमला किया था। तो वो चीज़ें अभी तो अभी ना गाइस है क्या कि गांव के जो कुछ लड़के मिले हैं तो उन लोगों के साथ में चल रहा हूँ अभी। और अभी जा रहे हैं हम लोग उस जगह पे ना जहाँ पे ये हादसा हुआ था लीला देवी जी के साथ में, तो उस जगह को भी दिखाते हैं आपको और साथ ही गांव भी आपको दिखाते हुए चल रहे हैं। और कुछ इस तरह से ये यहाँ पे रखी हुई है सोलर लाइटिंग, जिससे कि रात के समय रोशनी लेने का काम किया जाएगा। इसके हेड पे लगी हुई है ये पैनल। बाकी दादी अम्मा बैठी हैं अंदर, तो थोड़ी आमा से पूछे अमर आतम कौस हो रहे फन शू बाग के यहाँ सा अच्छा तो रातम कैसी हूँ रोपे जी। तो गाइस अम्मा जी हैं और शायद अभी अकेली हैं यहाँ पे, रात के समय कह रही कि बाघ आ रहा है और क्या ही करें, बाघ से डर लग रहा है, कुछ इस तरह की वर्डिंग है अम्मा की। तो थोड़ी चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं इस जगह को। हाँ बागल कुछ ज्यादा ही परेशान कर जाला ये तो लाइट निशा लाइट था सब घर के था अब मैं पास डबल लगी थी गरी बाजन सो लाइट से लोग के जो अच्छा तो तुम नंती नाम के थे ना ने ना थे हां अब क्यों को बोला ऐसे कुछ काम कर ला नहीं कुछ काम है खान अच्छा चलो आमा के बात ना अगिन बार आई जाल तो देखी जाल के है ना देखी जाल आमा के आल तो हम कह इसके पत्ती नहीं थी अब अगली बार उलते है फिर के देखू ठीक से आमा जरा देख आनु पाएगी हाँ। तो कुछ इस तरह की जगह है और जैसा कि अभी तक मैं जान पाया हूँ यहाँ पे जो लड़के हैं मेरे साथ में लोकल के, तो उन लोगों का कहना है कि अभी जो खतरा है ना गाइस टाइगर का वो इतना ज़्यादा हो गया है कि सामने इस तरफ जहाँ पे आपको ना मेरी फिंगर दिखा रही है ये जगह इनके क्रिकेट ग्राउंड की, तो वहाँ पे आकर के हर शाम सुबह ये लोग कुछ प्रैक्टिस या फिजिकल के तौर पे फिट रहने के लिए क्रिकेट खेला करते थे। बट अभी माहौल पूरी तरह से चेंज हो चुका है, आए दिन रात कभी भी इस जगह पर टाइगर की मूवमेंट हो जा रही है और ख़तरा इतना ज़्यादा हो रहा है कि गांव के लोग पूरी तरह से डरे हुए हैं। बड़ों में तो ये डर का माहौल है ही है बट बच्चों में कुछ ज़्यादा ही ये डर अभी देखा जा रहा है। वैसे भी बच्चों का डरना जायज़ है गाइस, जब बड़े ही डर रहे हैं तो बच्चे तो डरेंगे ही। तो अभी सामने अभी ये लोग जा रहे हैं बारी बारी कर ऊपर को, तो इन्हीं के साथ चलते हैं। तो देख रहे हैं आज थोड़ी आपको ना कुछ ऐसी जगह पे लेकर जा रहा हूँ मैं, और आज फाइनली
ये भी है कि आज मैं ना अकेले नहीं जा रहा हूँ। तो अभी हम लोग थोड़ी गांव के दूसरे रास्ते से आगे, मगर जो रास्ता था मेन आई थिंक ये रास्ता था जिससे हम आए नहीं, वो इसलिए कि थोड़ी हमें ना गांव भी दिखाना था आपको इस जगह पे किस तरह का गांव है और किस तरह की ये जगह है। तो जगह वाइज अभी फिर से हमने ये रास्ता छोड़ दिया है और कुछ इस तरह से अभी वापस खेतों पर जाया जा रहा है। तो रात में कितने बजे आ रहे हो हैं भाई? 2 बजे करीब, परसों तो 2 बजे आया था। रात के 2 बजे? हाँ, कल 9 बजे आया था। है ये रास्ता उसका, ये को आते गांव में ये रास्ता आने का। तो अभी जिस जगह से मैं चल रहा हूँ ना आगे की तरफ गाइस, इन लोगों का कहना है कि ये उसका रास्ता है जहाँ से वो गांव में एंटर कर रहा है। कुछ इस तरह की ये हिल्स और ये कुछ खेत, खेत के रास्ते ठीक सामने की तरफ आपको दिख पा रहे हैं कुछ घर। तो छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, समथिंग नहीं भी तो इस जगह पे मेरे ख्याल से 15 से 20 घर होंगे। तो इतने घर तो हैं ही, पहाड़ों में कुछ इतने घर एक जगह पे होते हैं क्योंकि एक छोटी सी कम्युनिटी टाइप की होती है और लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो एक छोटा सा मोहल्ला टाइप का उस जगह को बना देते हैं और काफ़ी अच्छी वो जगह होती है, बट आज की डेट में वो मोहल्ला ही उनको सपोर्ट कर रहा है टाइगर से बचने के लिए। अगर जिस तरह से मैंने देखा है ना पहाड़ों में किसी के घर कहीं, किसी के घर कहीं काफ़ी ज़्यादा दूरी पर होते हैं, तो अगर उस तरह के घर होते तो फिर पता नहीं क्या ही माहौल होता इस जगह का। तो थोड़ी इस रास्ते को भी देख लेते हैं जहाँ से टाइगर आ रहा है। और फाइनली जैसा कि पता ही है आपको, हम लोग जा रहे हैं जहाँ पर टाइगर ने हमला किया था उस जगह की ओर। तो थोड़ी इस जगह से अगर टाइगर के पग मार्क भी अगर देखने को मिल गए ना तो वो भी देखने की कोशिश की जाएगी। तो इससे आगे तो शायद ही हम लोग अभी जा पाएंगे। तो यहां से देखते हैं उस जगह को। तो अभी ना ये भाई मुझे बता रहा है इस जगह को। हाँ, ये सारे एरिया जो है यहाँ घास काटने के लिए जाते हैं यहाँ के। अच्छा, इस जगह पे पूरा जो अटैक हुआ था वो वहाँ हुआ था, ऊपर जहाँ पे वो घर दिखाई दे रहा है व्हाइट वाला दिखाई दे रहा है, उसके सीधे नीचे समथिंग 10-20 मीटर की दूरी है ना मेन सड़क से नीचे की तरफ। तो ये जो ना व्हाइट सा आपको घर दिखाई दे रहा है, ये है बस स्टॉप और जहाँ पे की गाँव के लोग आते हैं। यहाँ घास काटने के लिए रोज आते हैं, लेकिन बाघ भी यहाँ रोज ही दिखता है डेली। तो अभी कितने बाघ दिख रहे हैं यहाँ पे? बाघ की तो संख्या का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। हाँ, पर ऐसा है देख रहे हैं दो तीन दिन में भी, कल भी आए थे, कल आए थे यहाँ दो। हाँ, और कल पहले वहाँ आए थे उधर। हाँ, उधर आए थे फिर यहाँ को आए गाँव को शाम की तरफ। हाँ, रात को। हाँ, वो रोज आते हैं डेली रात को, इधर को गाँव की तरफ भी आते हैं रोज। तो तुम्हें रात को कैसे पता चल रहा है कि वो आ गए? हमको दिख रहे हैं ना रात को। रात को देख रहे हो तुम लोग कैसे? टॉर्च लगा करके। कल वहाँ परसों घर पे आए थे वहाँ। हाँ, एक बाघ था। हाँ, वहाँ फिर उसने वो करा बकरियों की कोशिश करी। हाँ, फिर उसने फिर एसीमो उठ गए वो। अच्छा, उन्हें पता चला होगा दरवाजा क्यों हिल रहा है या आवाज आ रही है, उस पर आवाज रखा ना उन्होंने ड्रम टाइप का कुछ। कल शाम को समथिंग 7-8 बजे आए थे यहाँ। हाँ, प्रधान जी ने देखा। हाँ, कितना हल्ला गुल्ला किया तब भी नहीं भाग रहे थे वो। प्रधान जी ने देखा, ग्राम प्रधान जो है। हाँ, उनका घर यहीं पे है ऊपर, ये वो पीला जो मकान है वही है। ग्रुप में भी डालो वो की बाघ आ रखे करके। अच्छा, थोड़ा बच के रहना, इधर उधर मत निकलना, बाहर मत निकलना। बाघ का आतंक इतना हो गया की डेली आ रहे रोज। हाँ, और पिंजरा लगा दिया वो गधेरे में, जिसके लिए सेफ्टी के लिए आए थे वो तो करा नहीं, यहाँ लगाया नहीं। तो उस पिंजरे की तरफ आ रहा है वो, पिंजरे की तरफ आ तो रहा है, बहुत दूर है गांव से। पर बाघ आजकल इतने तेज हो गए हैं कि वो पिंजरे में जाने के लिए डर रहे हैं, डर रहे हैं वो पहले से। वो हुए हैं मतलब पहले से उन्हें पता है कि ये चीजें कुछ हमें पकड़ने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, तब जाकर इसलिए वो आ नहीं रहे उसमें। मगर रास्ता वही है उसका, रास्ता वही है। अभी जहाँ पे हम खड़े हैं यही मतलब रोज ही दिख रहा है वो लगभग। जो भी घास काटने जा रहे हैं या जो बकरी चराने के लिए जा रहे हैं तो इनको आए दिन यहाँ दिखता है वो। अच्छा,
और आजकल घरों में वो भी हो गया क्या, घास सास पाल ली है लोगों ने, तो आप घास के लिए इधर ही आते हैं जंगल की तरफ, और कोई चारा नहीं है दूसरा। और दूसरा तुम्हारा इस जगह से पानी का भी है, पानी का चलो कोई नहीं, पानी का तो घर गए गाँव में है पानी, लेकिन यहाँ और सारे के लिए कोई चारा नहीं है दूसरा, यही आते हैं सब लोग, मतलब गांव के लोग जाते हैं इस जगह पे नीचे जाते हैं, और जाना ही कहाँ है, सामने ये रास्ता भी है ना, तो ये रास्ते मतलब जब चारा लेने के लिए घास वास लेने के लिए जा रहे हैं तो जब यूज में ले रहे हैं, तभी सब लोग साथ में जा रहे हैं, फिर इधर उधर अलग अकेले तो नहीं जा पा रहे होंगे अभी, आजकल अकेले जाना इतनी डर की बात हो गई, अभी हम यहाँ को अकेले नहीं जाते, रोज अन्ना घूमने जाते थे उधर को, अभी इसको लेने गए थे दो तीन जने गए हम, डर की दहशत फैल गई, मतलब दिन दहाड़े यहाँ पे चीजें चल रही है, दिन दहाड़े हो रहे हैं जी। तो एक चीज तो बताना, जिस दिन वो टाइगर अटैक हुआ था उनपे, तो उस दिन तुम लोगों ने किसी ने देखा था उस अटैक को? हाँ, देखा था। हाँ। वो सीधे पीछे से उसने अटैक किया, वो बकरियों पे नहीं लगा, उनपे आया सीधा, वो घास काटने गई थी या बकरियां चराने, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, जो उधर गए थे, अच्छा जो एक्सपायर हो गए उनकी बात चल, अच्छा उन्हें देखा था अटैक करते, बकरी चराने गई थी, बकरी उनके साथ में थी, ऐसे उधर से चल रही थी और इधर से आया वो पीछे से, अच्छा जी, झाड़ी से सीधा उसने पीछे से अटैक किया, फिर उनको सीधा ऐसे झुके और वो आगे गया, और आगे से फिर उसने ऐसा नहीं कि भागा, फिर आगे से फिर उसने हमला किया। अच्छा, जब उन्हें अटैक करने वो जा रहा था, उससे पहले तुम लोगों ने नहीं देखा क्या उसे? हमने नहीं देखा उससे पहले, मतलब जब उन्हें अटैक कर लिया तब देखो झाड़ियों में छुपा था ना, तब मतलब उन्हें खत्म कर, अच्छा अटैक करने के, घायल करने के बाद छुप के बैठ गया, उसके बाद भाग गया था, तो फिर उसके बाद से उन्हें जब बचाने के लिए हल्ला गुल्ला कुछ करा होगा, फिर जब ही जा पाओगे तुम लोग, तो था वो घास काटने आ रखी थी ना बहुत सी औरतें उधर की, तो उन्हें हल्ला किया, उनके हल्ले करने से ही उसने छोड़ा उनको, नहीं तो नहीं छोड़ता, वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ता है, अगर उसने भाई कर ही दिया अटैक तो फिर वो मार ही देगा, इंसान तो पुतला ही है ना, जब वो इतने बड़े बड़े जानवरों को मार सकता है ताकतवर, तो फिर उनका भी क्या ही हाल होगा। और वो देखो बकरी चराने वही जा रहे हैं, आप जाए कहाँ, और हाँ वही है जगह सामने, ये देखिए गाइस सामने की तरफ ना, अभी बकरियां चराने भी ना इन लोगों को इसी जगह पे जाना पड़ता है, अभी जिस जगह पे बकरियां दिखाई दे रही है ना, ठीक इसी जगह पे, ठीक यही वो जगह है जहाँ पे ये हादसा हुआ है, आपको शायद इस जगह से ना ह्यूमन एक्टिविटी देखने को मिल रही होगी बकरियों के साथ में, एक बंदा है इस जगह पे जो अपनी बकरियां चराने के लिए इस चारागाह पे गया हुआ है, और ये जगह है सामने ये वाली जगह जहाँ पे बह रहा है अभी पानी, ये स्रोत का पानी है, पहाड़ों से जो स्रोत बन के आते हैं ना, तो ये पानी है, ये हमेशा इस जगह पे पानी रहता है, और यही जगह आज की डेट में टाइगर ने अपनी जगह बनाई हुई है। रीजन इसका ये है गाइस कि इस जगह पे ना वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर तो जाते ही जाते हैं, साथ में जो गांव के पालतू जानवर भी है ना वो भी इस जगह पे चले जाते हैं अपने पानी की जो प्यास है उसे बुझाने के लिए। तो फाइनली चीज़ें कुछ इस तरह की हैं कि टाइगर को, आपको पता ही है कि टाइगर जब कोई किल करता है उसका कुछ हिस्सा खा लेता है ना, तो उसके बाद से उसकी बॉडी ना हीट ऑब्जर्व करने लगती है, गर्म हो जाती है, तो उसे वो डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म करने के लिए थोड़ी देर पानी में बैठता है, पानी का सहारा लेता है, तो यही रीजन है कि टाइगर इस जगह पे बना रह रहा है, और सभी एनिमल्स का इस पानी के पास आना होता ही होता है। तो ये चीज़ें हैं, और ठीक इसी रास्ते से आगे टाइगर आ रहा है गाँव की तरफ, तो जिस जगह पर अभी हम सारे लोग हैं ना, इस जगह से इन लोगों का कहना है कि यहाँ से टाइगर अंदर गांव की तरफ जा रहा है। अभी फाइनली है क्या कि उस जगह तक तो जा नहीं सकते, बट सामने आपको दिखा देता हूँ एक बार जूम करके, ये जगह है ना, तो इस जगह पे पानी बह रहा है, तो चलो अभी चलते हैं गाइस इस जगह से वापस, और सामने कुछ इस तरह का ये गांव है, आई थिंक कि इस जगह पे भी रात के समय टाइगर या लेपर्ड की मूवमेंट होती होगी, तो थोड़ी ये भी जान लेते हैं इन लोगों से। तो सामने वाला जो गांव है तुम्हारे दूसरी तरफ, उस साइड भी जा रहा है ये? जी रोज वहाँ भी जाता है, वहाँ भी जाता है, वहाँ से भी हल्ला गुल्ला होता है रोज, वो फिर उधर से छोड़ के इधर को आने लगता है, मतलब वो वहाँ से भगाते हैं तो फिर वो तुम्हारी तरफ आ जाता है, और तुम यहाँ से भगाते हो उधर चले जाता है, मतलब वही है कि वो दोनों गाँव वालों के साथ में खेल रहा है, उधर भी जाता है इधर भी जाता है रोज। अच्छा, तो यहाँ पे रात के 2-2 बजे भी दिख रहा है वो गाँव में,
तो रात को तुम लोगों ने कुत्ते तो पाले होंगे? कुत्ते नहीं पाले, कल एक कुत्ते को तो ले गया, कल ले गया ऊपर के गांव से। हाँ बता रहे थे वो अंकल जी, ऊपर के गांव से ले गया उसको। हाँ कल शाम के टाइम में तो बाघ का आतंक तो डेली है। कभी वो ऊपर वाले गांव में देखे एक दिन एक लड़के ने, हाँ उस दिन भी घर पे आया था उस दिन। जो भी है भाई, मैं तो यही कहूंगा कि तुम लोग ना अपनी यूनिटी बना के रहना, एक दूसरे को बताते रहना भाई, अगर कोई चीजों को देख ले रहा है ना तो अगर यूनिटी बनाओगे तो सेफ भी रहोगे, नहीं तो फिर कभी ना कभी वो किसी ना किसी पे हमला तो करेगा। जिस तरह से वो तुम लोग कह रहे हो ना कि अभी तो पहले एक दिखा, अभी दो दिख रहे, और हो सकता है कि उनके साथ में उनके बच्चे भी हों। बच्चे भी हैं उसके साथ, बच्चे भी हैं ना, एक बच्चा है शायद इसका, तो वही है वो बच्चे की वजह से ही ना अटैक कर रहा है वो गाँव में आकर के, क्योंकि उसे जंगली जानवर तो मिल नहीं पा रहे। तो चलो गाइस अभी चलते हैं थोड़ी इस जगह से वापस, और थोड़ी दिखाते हैं आपको एक बार इनका गांव और ठीक से। मगर इस जगह पे तो वो है ना यार, तुम कह रहे हो कि ये वाली जगह है जहां से वो आ जा रहा है, मगर ऐसे कुछ पैरों के निशान इस जगह पे कुछ दिख रहे हैं तुम्हें? यहां पैरों के निशान कहां पैरों? अच्छा नीचे इस झाड़ियों के रास्ते से आ रहा है ये तो है, यहाँ से हमारा वो जो पंधेरा वाला रास्ता है वो यही है इसके। हम जब पानी लेने जाते थे तो रोज आता था यहाँ शाम को। हम जब पानी लेने गर्मियों के टाइम में जाते थे ना, आज से 15-20 दिन पहले, तब यहाँ को आता था वो। शाम को हम लेट ही जाते थे 6-7। तो उस टाइम तक उसने ऐसा कोई हमला नहीं करा? वो एकदम से कर दिया उस दिन, उस भी दिन में कर दिया, सुबह के टाइम में 8:30 बजे की घटना है ये वाली, तो उस टाइम में कर दिया। तो उस दिन ज्यादा लोग गए भी नहीं थे ना, 2-3 ही थे उस दिन घास के लिए। एक तो सामने से अटैक नहीं करता ना, वो छुपा रहता है। चलो फिर चलते हैं वापस, हिटो लौटो। तो अभी इन लोगों का कहना है ना कि रात के समय दो बाघ आ रहे हैं जो दिखाई दे रहे हैं। इन लोगों के पास में रिकॉर्डिंग भी है वो, और उसमें ना सिर्फ उनकी जो आंखें हैं ना टॉर्च की रोशनी से वो देखने को मिल रही है। अगर इन लोगों के जरिए मुझे वो वीडियो मिल जाती है ना तो आपको मैं इस वीडियो में वो भी मेंशन कर दूंगा, और वो चीज़ें भी आपको दिखा दूंगा कि इस जगह पे गाइज आज की डेट में एक टाइगर नहीं दो टाइगर मूवमेंट कर रहे हैं, और जो अभी ह्यूमन बींग्स के लिए पूरी तरह से खतरा बने हुए हैं। तो चीज़ें बहुत खतरनाक होती जा रही है इस जगह पर, ना जाने कब क्या चीज़ें हों। मैं तो यही कहूँगा कि सभी लोगों को अलर्ट रहना चाहिए, और जैसे ही किसी को टाइगर की एक्टिविटी देखने को मिले ना तो एक दूसरे को अलर्ट कर देना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो किसी पालतू जानवर को मारे या फिर किसी ह्यूमन बींग्स को, क्योंकि फिर उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर उसके साथ में अगर उसके बच्चे भी होंगे ना फिर तो वो और ख़तरनाक है। तो चीज़ें तो अभी काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, पूरे गांव में वैसे भी लोग दिखाई नहीं दे रहे, दिन के समय भी इस जगह पर खौफनाक मंजर बना हुआ है गाइस। तो अभी तो हम इसी रास्ते से चलते हैं ना, आतंक तो यार अब पहाड़ पर आए रही नहीं ज्यादा ही, उन्हा तरफ गए बहुत ज्यादा। अरे वहां से पकड़ के ले जा रहे हैं उधर से, फिर गांव में छोड़ दे रहे हैं। उनको भी पता है कि ये पिंजरा इसलिए लगा है कि इनको पकड़ने के लिए। हाँ तो उसे तो पता है ना यार, तभी तो नहीं आ रहे। वो उसने उस तरह का माहौल नीचे की तरफ देखा हुआ है, देखा होगा तभी तो नहीं आ रहे वहाँ। वो एकदम अलर्ट है भाई, एक दिन निकला है है यार जनम रातम क्या बाघ। हाँ बाघ ये दिन लुकी रहती है, बाघ या लेपर्ड के? बाघ था, टाइगर, टाइगर ही। हाँ हद है कि यार, मतलब कते रोजे आ जा रहे क्या यार? 6-7 महीने जिस दिन से वो कर रहा ना उधर वाला अटैक, वो उस दिन से लगातार ही चल रहा है वो वाला अटैक। दिखा दो, वो जिस दिन अटैक करा उस दिन उसके पहले दिन भी दिखा हमको, पहले दिन भी दिखा उसके, हाँ उसके पहले दिन दिखा था, फिर दूसरे दिन उसने अटैक किया, और उसके बाद तो लगातार ही दिख रहा है गाँव में। तो फिर इसका मतलब तुम शाम को 4-5 बजे के बाद सिलेंडर कर दे रहे खुद को घरों में बंद? हाँ वो घूमना वूमना सारा बंद हो रखा है। ऐसा तो नहीं आज मैं साथ में आया तो तभी तुम लोग उस जगह तक भी चले गए, नहीं तो उस जगह तक भी नहीं जा रहे हो? हम नहीं जाते, गए थे नहीं जाते हम ऐसे उधर को तो नहीं जाते हैं आजकल, वैसे हमारा तो कुछ काम नहीं होता, जो घास के लिए जाते हैं उनको जाना पड़ता है, डेली जाते हैं वो डेली। और कोई वो भी नहीं है ना,
और कहाँ से? हाँ, घास तो लेकर ही आनी है जानवरों के लिए। नहीं, कल उनको बुलाने के लिए गए थे हम दोनों, उनको आधारी कल बाहर आई थी ना दो बुलाने के लिए गए थे। अच्छा, ये जो भाई आ रखे हैं हमारे साथ इनका घर है। अच्छा, इधर को आया उस दिन, यहाँ से इधर को और सीधा उधर को गया, वो घर जो नहीं है हमारा इसके उधर को। तो फाइनली वापस अभी मैं आ चुका हूँ इस जगह पे जहाँ पे ना परसों की रात आया था बाघ। तो कुछ इस तरह की लोकेशन है इनके घर के आगे की, और बाकी सामने की तरफ घर भी है गाइस। ऐसा नहीं है कि घर नहीं है इस जगह पे, इस तरफ में थोड़ी जंगल सा है बट खेती है इस जगह पे। और ये कुछ बकरी का घर, गौशाला आप इसे कह सकते हैं, या बकरियों का घर, जो भी आपको ठीक लगे। तो थोड़ी दिखाता हूँ आपको ये जगह, तो कुछ इस तरह की जगह है। तो ये बकरियों का घर है, और कुछ इस तरह के दरवाजे हैं जो कि रात के समय बंद थे। कौन सी चीज़? ये जाल वाला जो बना हुआ है, तो ये दरवाज़ा लगा हुआ था। तो ये चीज़ें हैं गाइस, कुछ इस तरह का दरवाज़ा, और सामने अंदर बकरियां, मतलब सामने टाइगर बकरियों को देख पा रहा है इस जाली नुमा दरवाजे से। शायद उस समय फिर बकरियों में भी पता नहीं क्या फील आ रहा होगा गाइस। तो फाइनली क्या था कि ये घर वाले जग गए, और जिस वजह से उन्होंने टाइगर को भगा दिया। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं आज की डेट में इस जगह पर, टाइगर की मूवमेंट कुछ ज़्यादा ही बनी हुई है। ये देखिए, इस तरफ भी घर है, मतलब घरों के बीच में आकर के इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश अभी टाइगर द्वारा आए दिन की जा रही है। तो फाइनली गाइज, अभी वापस आ चुका हूँ मैं गांव का, एक छोटा सा भ्रमण करके, चीज़ों को जान करके, लोगों की अभी किस तरह की मेंटलिटी इस जगह पे बन रही है, किस तरह का खौफ लोगों में देखा जा रहा है, वो सारी चीज़ों को जानने के बाद थोड़ी फाइनली सड़क पे आ चुका हूँ। आप चेक कर सकते हैं, कुछ इस तरह की जगह है। और फाइनली काफ़ी ज़्यादा थोड़ी मैं ना थक भी गया, क्योंकि काफ़ी समय बाद थोड़ी पहाड़ों पे चलने को मिला है। क्योंकि अपनी साइड में क्या है, जिम कॉर्बेट की तरफ ना पूरा एकदम मैदानी वाला क्षेत्र है, उस जगह पे पहाड़ी है नहीं, तो उस जगह पे चलना और इस जगह पे चलना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है गाइस। तो आज आप लोगों के लिए इस जगह पे आया था, यहाँ से जो अपडेट थी वो आप लोगों को देने की कोशिश की, साथ ही गांव के लोगों से उनकी मुँह ज़ुबानी चीज़ें सुनने को मिली, किस तरह की उनकी घबराहट, क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें जानी है। तो फाइनली गाइस, यही था आज के इस कंटेंट में। और अगर आपको चीज़ें सुनकर जानकर चीज़ें अच्छी लगी हो, मेरा ये एफर्ट आपको अच्छा लगा हो, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और मिलते हैं गाइज आपको फिर से एक नेक्स्ट कंटेंट में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।